आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। एक जमाना था जब प्रेमी प्रेमिका की गली से गुजरते थे ताकि उनकी एक झलक दिख जाए, क्योंकि उस वक्त मिलना जुलना संभव नहीं था। बिना मिले जुले गली से ही एक दूसरे को निहार लिया करते थे और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। उस वक्त स्मार्टफोन भी नहीं था, तो ना व्हाट्सएप और ना फेसबुक, बस एक चिट्ठी का ही सहारा था जिससे प्रेम का इजहार हो जाया करता था। पर ख्वाहिशों में लिपटी ज़रूरत की दुनिया का तो शुरू से यही दस्तूर रहा है कि प्रेम पर हज़ार पहरे लगा दो, कितनी बंदिशें लगा दो, प्रेमी प्रेमिका प्यार करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन वक्त के साथ समाज बदला और बदलने लगी उनकी सोच। शायद यही वजह है कि आज प्रेम खुलेआम होने लगा और उसे दिखाना ट्रेंड बन गया। आज कोई भी कपल अपने रिलेशनशिप स्टेटस को छुपाना नहीं चाहता, उसे सार्वजनिक स्थलों पर भी जाहिर कर देता है। इसका जीता जागता उदाहरण पटना के कई खूबसूरत पार्क हैं, जहां पहले लोग पार्कों में पिकनिक मनाने और सैर सपाटे के लिए जाया करते थे, वही अब यह पार्क लवर पॉइंट में तब्दील हो गए हैं, जहां लव बर्ड्स अपने प्यार का इजहार खुलेआम कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी पार्क की तलाश में हैं जहां आप अपने पार्टनर के साथ कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो आज हम आपको उन पार्कों के बारे में बताएंगे जहां आप अपने दोस्तों के साथ बिना रोक टोक कुछ पल बिता सकते हैं। दोस्तों, पटना के कई ऐसे पार्क हैं जहां कपल कुछ वक्त साथ बिता सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम पटना का चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जाने के लिए हर कपल को 60 रुपये खर्च करने होंगे और फिर एंट्री लेने के बाद पेड़ों की छांव में कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां आप अपने पार्टनर के साथ आराम से बैठकर वक्त बिता सकते हैं। इसके अलावा आपके मनोरंजन के लिए कई सारी व्यवस्था भी की गई है, जैसे कि बोटिंग, 3D सिनेमा के साथ ही साथ खाने पीने के लिए चिड़ियाघर के अंदर कैंटीन की व्यवस्था भी है, जहां आप लजीज व्यंजनों के साथ अपने दोस्त के साथ एक दो निवाले और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकते हैं। इन सब के बाद नाम आता है पटना के इको पार्क का, जो कपल के पसंद में शुमार है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के सुकून का माहौल बहुत ही अलग है। वो कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। ये पार्क कपल्स के लिए सबसे अच्छा और शानदार है। ये बहुत ही शानदार महल और मैदानों व प्रेमियों के लिए अच्छा खासा बनाया गया एक पार्क है। बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ झूले हैं। यहाँ उपलब्ध नौका विहार के साथ बहुत बड़ा पार्क है और ये पटना के चिड़ियाघर के पास ही है। इसके बाद नाम आता है बुद्ध स्मृति पार्क का। ये एक संग्रहालय भी है। आप यहाँ दो प्रकार की टिकट ले सकते हैं। जब आप इस पार्क में प्रवेश करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह शहर का सबसे साफ सुथरा पार्क है और इसका वातावरण भी बहुत बढ़िया है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी वहाँ जा सकते हैं। पटना के केंद्र व्यवस्थापक प्रसिद्ध पार्क में से एक है बुद्ध स्मृति पार्क। परिवार के साथ और साथ ही साथ स्मरणीय स्थान का आनंद ले सकते हैं और बहुत सुकून भरे पल गुजार सकते हैं। जहां कपल्स को भरपूर आनंद मिलती है, वहीं एनर्जी पार्क भी आजकल कपल्स को खूब लुभा रहा है, जहां भारी संख्या में कपल्स पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही यहां के हर चीज़ का आनंद लेते हैं। इसके अलावा पटना में कई और भी ऐसे पार्क हैं जहाँ कपल्स अपना कुछ वक्त बिता सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पटना में प्रेमी जोड़ों के लिए बेहतरीन पार्क्स मौजूद हैं। दोस्तों, कई बार ऐसी जगहों के तलाश में लोग घूमते हैं लेकिन उन्हें इस तरह की जगहें नहीं मिलती, लेकिन इस बात के लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पटना में प्रेमी जोड़ों के लिए कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे पार्क हैं जहाँ आप बैठकर सुकून से अच्छे पल गुजार सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं।